पहले की ये घटना कनाडा की है, जब इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर तकरीबन 250 खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए, नारे लगाए। लेकिन इस बार जवाब भारतीय समुदाय की तरफ से जोरदार आया। भारतीय समुदाय के लोग भी तिरंगा लेकर वहीं डटे रहे। हाथ पर तख्ती लेकर वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जिसमें लिखा था, खालिस्तानी सिख नहीं होते। भारत वंशियों की रैली के सामने खालिस्तानियों की रैली फीकी पड़ गई। पहले ब्रिटेन, फिर यूएस और फिर कनाडा में इंडियन मिशन्स, डिप्लोमेट, इंडियन हाई कमीशन, इंडियन कॉन्सुलेट पर जो हमले हुए उसे लेकर भारत बेहद सख्त है। आपको बताते हैं खालिस्तान समर्थकों के हमले पर भारत का तीखा जवाब क्या है, साथ ही कब और किन देशों में खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और बेहद हिंसा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने 8 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में किल भारत रैली निकालने का ऐलान किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि खालिस्तान समर्थक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंक नहीं फैला सकते। राजनयिकों, वाणिज्य दूतावासों, उच्चायोगों को लेकर पोस्टर लगाने का मुद्दा बेहद गंभीर है, जिनमें हिंसा के लिए उकसाने, धमकी देने की बात की गई है। विदेश मंत्रालय ने भारत दूतावास पर हुए हमलों को वियना संधि का उल्लंघन बताया और कॉन्सुलेट की सुरक्षा की अपील की। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां खालिस्तानियों का उपद्रव देखने को मिला। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ। खालिस्तानी हमलावरों ने इस दौरान तिरंगे का अपमान किया। कुछ खालिस्तानियों ने उच्चायोग में तोड़फोड़ भी की। खालिस्तानी समर्थकों ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में मारे जाने के विरोध में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात को हमला किया, आग लगा दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 5 महीने में ये दूसरी घटना थी। इससे पहले अमृतपाल को रिहा करने की मांग को लेकर खालिस्तान समर्थकों ने मार्च में इसी दूतावास को घेरा था। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, इस बार कनाडा में हालिया हुई घटना में भारत वंशियों ने भी ये साबित कर दिया कि किसी भी हाल में खालिस्तानी भारत के खिलाफ अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे और भारत के खिलाफ ऐसे उपद्रवियों को शह देने वालों के खिलाफ भारत का रुख बिल्कुल साफ, बेहद सख्त है।